जूस तुम्हारे लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद बना सकती थी। तुम सब काम खुद कर सकती हो, मगर ये मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए। जिस बच्चे के लिए तुमने मुझे ये हक दिया तो मेरे साथ आ गई, उसी के लिए मुझे ये सब काम करने दो प्लीज, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। गुजर गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। कितना बदल गया है नूफिल। पहले तो गीला तौलिया बिस्तर पे फेंक दिया करता था और अब रूम की सफाई भी करने लगा है। अम्मी ने बोला है कि नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें मेडिसिन भी लेनी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अम्मी और बाबा बहुत खुश हैं, खास तौर पे बाबा, और उनकी नजर में हम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तो प्लीज उनके सामने हमें नॉर्मल रहना होगा। एक बात और, मैंने अम्मी और बाबा के मशवरे से एक गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट किया है, वो वही गायनेकोलॉजिस्ट है जो भाभी का भी था, तो हमें उसके पास जाना होगा रेगुलरली। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अम्मी के साथ जा सकती हूँ। तुम और ये बच्चा अम्मी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी है, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ ही जाओगी। और प्लीज ये सब मुझे करने दो। मोहब्बत तो पत्थरों को पिघला सकती है, तुम तो नरम नाजुक दिल की मालिक एक लड़की हो। कब तक असर ना होगा मेरी मोहब्बत का? क्या बात है मॉम, आज आप देर तक सोई? बस कल रात के वाकये के बाद तो मैं सो ही नहीं सकी, सुबह ही सोई। मॉम आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, वहां पर भी वरीशा नंबर ले गई। वरीशा ऑलरेडी अपना नंबर बना चुकी है, अब मैं कुछ भी करूँ ना उसकी कोई वैल्यू नहीं। मॉम इस बार बात मुख्तलिफ थी, डैड को हार्ट अटैक हुआ है, आपका वहां होना बहुत जरूरी था। अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? देखिए मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। डैड आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, हमारा वहां होना जरूरी था। पहले हम उनकी जिंदगी से बहुत अलग हो चुके हैं, उस पर हमारा ही नुकसान है। देखो नुकसान जो है ना वो मेरा नहीं है, ऑलरेडी अमान की बिजनेस में इस घर में मेरे शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और वो मुझे हक महल में मिलेंगे हर हाल में। तुम अपनी फिक्र करो मेरी। ठीक है, जब आप अपने सारे मसाइल अलग कर ही चुकी हैं, दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक ही चुकी हैं, तो आज के बाद से मैं अपने सारे मामलात खुद हैंडल करूंगा। और हाँ, बेहतर यही होगा कि आप भी अपने मामलात खुद हैंडल करें, मेरे पास लेकर आने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू।